हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आप लोगों ने क्वैक्स का नाम सुना है यू नो हु आर क्वैक्स क्वैक्स होते हैं डुप्लीकेट डॉक्टर्स शुद्ध हिंदी में बोलूं तो फर्जी डॉक्टर फर्जी इन द सेंस बिना डिग्री के बस प्रैक्टिस करने शुरू कर दी और ये इलीगल काम है इंडिया में पता लग जाए ना कि बिना डिग्री के डॉक्टर ही कोई कर रहा है प्रैक्टिस कर रहा है कोई लोगों को दवाइयाँ लिख के दे रहा है या कुछ भी कर रहा है बिना डिग्री के तो सीधा जेल है ठीक है तो आप आपको लगेगा कि ये सब बात मैं क्यों कर रहा हूँ तो इसको मैं एक एनालॉजी के साथ लिंक करना चाहता हूँ और एनालॉजी ये है कि मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ डेंटल क्वैक्स का एग्जांपल लो डेंटल मतलब जो जो दांतों का काम करते हैं ये मैंने अपने रियल लाइफ में देखा है आप गांव में जाओगे छोटे शहरों में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत ऐसे क्वैक्स मिलेंगे डेंटल क्वैक्स मिलेंगे जो दांत में दर्द है तो दांत निकाल देंगे या थोड़ी बहुत फिलिंग कर लेंगे ऐसे कर लेते हैं और दांत अगर उससे निकलवाओगे तो पचास रुपये ले लेगा वो पचास रुपये या मैक्सिमम सो भी नहीं लेंगे पचास में काम कर देंगे आपका क्योंकि क्वैक्स है ना कोई वैल्यू तो है नहीं डुप्लीकेट डॉक्टर साहब बिना डिग्री के हैं लेकिन अगर आप यही एक डिग्री वाले डॉक्टर के पास जाओगे बी या एम वाले के पास तो वो आपसे कम से कम हजार रुपये लेगा दांत निकालने के निकालेगा वो भी वैसे ही जैसे क्वैक ने निकालना है है ना तो डिफरेंस कहाँ लाई कर रहा है समझ रहे हो डिफरेंस कहाँ पे है जो एक्चुअल डॉक्टर है ना जिसने किताबें पढ़ी हैं जिसको डीप में नॉलेज है उसको पता है एग्जैक्टली exactly कि एल ए कहाँ लगेगा मतलब लोकल एनाथिसिया कहाँ देना है लोकल एनाथिसिया मतलब जो क्या बोलू मैं सिंपल भाषा में इंजेक्शन वगैरह जो लगता है कि कहाँ पे एग्जैक्ट इंजेक्शन लगना चाहिए कहाँ पे नर्व है कहाँ पे जगह सुन होनी चाहिए कहाँ पे दर्द कम होएगी उसको बहुत ज़्यादा डीप एग्जैक्ट नॉलेज है और उसी चीज़ के वो हज़ार रुपये चार्ज कर रहा है लेकिन क्वैक को कुछ नहीं पता वो बस ऐसे इंजेक्शन ठोक देगा तुम्हारे को और दांत निकाल देगा बार खत्म अब वो तुम्हारी किस्मत है तुम्हारे को कितनी दर्द होगी कितनी नहीं होगी हो सकता है केस भी बिगड़ जाए केस बिगड़ना इन द सेंस उसने दांत तो निकाल दिया लेकिन अल्टीमेटली कुछ गलत तरीके से फोर्स लगा दी उसने और जिसके कारण आपका ब्लड नहीं रुक रहा या कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकता है अल्टीमेटली टांके लगाने पड़ेंगे पता नहीं मतलब एनीथिंग कैन हैपन इसलिए तो ऑफकोर्स जेल है ना इस तरीके के जो डुप्लीकेट काम करते हैं वो फंसते हैं तो अब आपको समझ में आ रहा है मतलब प्रैक्टिकल वो भी कर रहा है क्वैक भी कर रहा है उसने किया क्या है बस इधर उधर से थोड़ा बहुत सीख लिया थोड़ा बहुत देख लिया किसी बी डी एस एमडीएस डॉक्टर के अंदर काम कर लिया थोड़ा सा एक दो साल थोड़ा बहुत देख लिया कि हाँ भाई कैसे काम कर रहा है वो खुद शुरू हो गया है ना तो अब ये एनालॉजी क्या है अब ध्यान से समझना जिन लोगों को लगता है कि बिना थ्योरी के हम लोग इंजीनियर बन जाएंगे कोडिंग वोडिंग करते रहेंगे और उससे फिर हम बहुत आगे भी बढ़ जाएंगे तो आप सिंपली बात करो तो एक डुप्लीकेट इंजीनियर बन के रह जाओगे और शुद्ध हिंदी में बोल तो फर्जी इंजीनियर जिसको अंदर नहीं पता क्या चल रहा है सिर्फ कोड कोड करता चला जा रहा है मतलब आपको सिर्फ प्रैक्टिकल आता है थ्योरी नहीं आती तो आपकी क्या वैल्यू होगी जो क्वैक की वैल्यू है वो होगी तीन चार पाँच लाख का पैकेट लगेगा उसी में अपना घूमते रहोगे थोड़ी थोड़े इंक्रीमेंट्स होंगे कुछ नहीं एक सर्विस बेस्ड कंपनी में अपनी जिंदगी बिता दोगे लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है थ्योरी है डिग्री है सब कुछ है तो आप एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया स्टार्ट कर सकते हैं एक बहुत अच्छे पैकेज से आपकी शुरुआत हो सकती है तो यहाँ पे गेट का एग्जैक्ट रोल आता है अगर आपको थ्योरी पता है डीप में नॉलेज पता है ना डीप में चीजें आती हैं तो आप एक बहुत ज्यादा एफिशिएंट और बहुत अच्छा कोड लिख सकते हो जो कि एक नॉर्मल आदमी नहीं लिख पाएगा तो इसको थ्योरी नहीं आती वो सारी उम्र उस तरीके का कोड नहीं सोच पाएगा जिस तरीके का कोड आप लिख सकते हो तो इसलिए थ्योरी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है तो अब आई थिंक मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर कर पाया हूंगा जो कि मेरे के बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अल्टीमेटली तो हमारे को कोडिंग करनी है हम फालतू के चक्रों में क्यों फंसे हम इतना ज्यादा क्यों पढ़े सी कंप्यूटर नेटवर्क क्यों पढ़ रहे हैं ना टी सी क्यों पढ़ रहे हैं इधर उधर के सब्जेक्ट क्यों ही

ठीक है तो फिर वही बात है फिर आपको सैलरी भी वैसी मिलेगी फर्जी इंजीनियर वाली तो अगर फर्जी इंजीनियर नहीं बनना ढंग का एक एक्चुअल इंजीनियर बनना है यू शुड गो फॉर गेट अल्टीमेटली आपको एक अच्छी जगह से एमटेक करनी चाहिए एक अच्छी प्रॉपर फाउंडेशंस बनाओ अपनी थ्योरी की और उसके बाद जब आप जॉब करने के लिए जाएंगे और आप कोड्स लिखेंगे तो बहुत जबरदस्त कोड लिखेंगे ठीक है तो अल्टीमेटली प्रैक्टिकल करने के लिए भी भैया थ्योरी चाहिए होती है पीछे ऐसे नहीं कि ओनली प्रैक्टिकल करके आप कुछ भी कर जाओगे लाइफ में टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्वैक्स ना तो कोर्स आप हमारा तो काम भाई सब चल ही रहा है जैसे तैसे लेकिन डॉक्टर वाली लाइन में ये इनलीगल काम है है ना क्वैक्स तो जेल है इलीगल है एकदम तो। आपको भी लगता है कि आपके घर के कोई आसपास ऐसा क्वैक है तो आप इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट करो इमीडिएटली उसको जेल हो जाएगी बिना डिग्री के नहीं कर सकते ये सब काम बॉडी है भाई हमारी ह्यूमन बॉडी है मजाक थोड़ी है कोई तो ऐसे थोड़ी टच कर देगा उसको ठीक है तो समझ पा रहे हो गए तो बट वही बात है इंजीनियरिंग में ये सब लग रहे हैं धक्के लोग लगा रहे हैं कर रहे हैं तो वही बात है चल भी रहे हैं बट एट दी एंड ऑफ द डे अगर आपको थ्योरी पता होगी तो आप बहुत कुछ अच्छे से कर पाएंगे ठीक है मतलब आप अपना एक बढ़िया सा कोड डेवलप कर पाएंगे नहीं तो वही बात है भी कॉपी पेस्ट और क्या है मतलब अपना कुछ नया करना और वो सब करने में आपको प्रॉब्लम महसूस होगी और दैट इज द बेसिक रीजन जिसके कारण आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हायर नहीं कर रही हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दोज कंपनीज जस्ट बिकॉज आपको डीप में प्रॉपर चीजों की नॉलेज नहीं है ठीक है तो अब आई थिंक समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल ले लो जैसे आप आई आई का एग्जाम होता है उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीन चीजें पढ़ाई जाती है अब अल्टीमेटली आपको कंप्यूटर साइंस करेंगे कंप्यूटर साइंस का तो सी भी नहीं पढ़ा रहे आपको इलेवन ट्वेल्थ में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पीछे बढ़ाई जा रहे हैं भगाई जा रहे हैं भगाई जा रहे हैं है ना लेकिन अल्टीमेटली जब आप देखेंगे उन इंजीनियर्स को जो आई टी जेई पास करके आते हैं उनका दिमाग अल्टीमेट शार्प है वो अल्टीमेट कोर्स लिख रहे हैं अल्टीमेट चीजों को ग्रैप कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने पहले पढ़ाई बहुत करी है उनके बेसिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग है उनकी थ्योरी बहुत ज्यादा शार्प है वो एकदम मैथमेटिक्स को स्पीड से ग्रैप करते हैं है ना इतनी मेहनत उन्होंने पहले कर लिया है उसके बाद फिर ये सब चीजें बहुत जल्दी पकड़ते हैं वो आई पार समझ पा रहे ठीक है तो सब चीजें सारी जान ultimately एक बात जो जड़ है ना आज के लेक्चर की जो मैं बना रहा हूं आपको समझाने के लिए कि जो जड़ है ना वो जड़ है थ्योरी पकड़ो थ्योरी को ठीक है प्रैक्टिकल के पीछे मत भागो सिर्फ प्रैक्टिकल के पीछे भागोगे थ्योरी कभी नहीं पकड़ पाओगे सारी उम्र और थ्योरी से ही सब कुछ निकल के आता है कहां से निकलता है सब कुछ थ्योरी से ही तो निकलता है कंप्यूटर साइंस की जड़ कहां से बनी थी टीओसी से से बनी थी, से बनी थी थी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कुछ साइंटिस्ट लोगों को लगता था कि लॉजिक इज तो लॉजिक इज इनकम्प्लीट इसको प्रूव प्रूव करने के लिए लॉजिक लॉजिक की हेल्प से प्रूव करना था है तभी एलन ट्यूरिंग आए थे Godel आया था और इन सब साइंटिस्ट ने मिलकर मिल कुछ कुछ काम किया था और एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन डेवलप कर दी थी जो कि मैथमेटिकल मॉडल था लॉजिक का तो जो ट्यूरिंग मशीन कर सकते हैं वही आज की डेट में कंप्यूटर्स कर सकते हैं तो जितना ट्यूरिंग मशीन कर सकता है उतनी हमारे कंप्यूटर के उससे ऊपर हमारा कंप्यूटर नहीं जा सकता तो बना

तो बिना इन सब चीजों के अगर आप सिर्फ कोड कोड के पीछे भागोगे अल्टीमेटली यू विल एंड अप अपर शॉर्टकट के पीछे भागोगे सारी उम्र चिल्लड़ कमाओगे मैं सच बता रहा हूँ चिल्लड़ों से ऊपर उठना है ना एक बड़ी सोच तो रखो अपनी तभी तो आगे कुछ कर पाओगे ना तो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है एटलीस्ट गेट की तैयारी जरूर करो थ्योरी को जरूर पकड़ो अच्छे से सब कुछ निकलना थ्योरी से है सब कुछ थ्योरी से निकलना और कहीं से कुछ नहीं निकलना बार बार समझाता हूं मैं शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो मत भागो जितना भागोगे उतना फंसोगे कितना तो भाग लिए हो एक बार अपने दिल पे हाथ रख करके देखो कितना तो भाग लियो शॉर्टकट्स के पीछे पहले इलेवन ट्वेल्थ में जरूर भागे होगे गए आई टी जी नहीं निकला टीयर थ्री कॉलेज में लैंड अप हुए वहां पे भी शॉर्टकट्स करोगे तो अल्टीमेटली सारी उम्र शॉर्टकट्स ही करोगे मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ पे लैंड अप होगे जाके ठीक है तो आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आज के बाद एटलीस्ट मेरे से कमेंट्स करके ये सब मत पूछना कि सर थ्योरी का क्या यूज है हम पालतू की थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करी है ठीक है जी और बार बार समझाता हूँ एक एम सेट कर लो यार एक एम तो सेट कर लो कि मेरे को गेट क्यों देना है सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे अल्टीमेटली खुद फंस जाओगे एक ट्रैप में फंस जाओगे ठीक है मनी सब कुछ नहीं है नो डाउट है बहुत कुछ बट सब कुछ नहीं है मनी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको खुशी देगी उसके बाद वो खुशी नहीं देगी वो किक नहीं मिलेगी सिंपल भाषा में बात करो जब छोटे थे मेरा बेबी है चार साल का मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ बहुत कुछ सीखता हूँ हम टॉय लेके देते हैं ना दो से तीन दिन चलाता है खूब चलाता है उसके बाद छोड़ देता है तो हमारे साथ भी तो जो एसेट्स आप बनाना चाहते हो वो भी तो टॉयज ही हैं एक बड़ी गाड़ी आपने ले ली कितने दिन उससे फैंटेसी करोगे कितने दिन उसमें घूमोगे अल्टीमेटली बोरोगे छोड़ दोगे तो इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है ना कितनी मर्जी इच्छाएं पाल लो कितने मर्जी शौक पाल लो अल्टीमेटली होगा क्या आप बोर हो गए बढ़ोगे फिर आगे बढ़ोगे समझ रहे हो तो अल्टीमेटली काम वो करना चाहिए जिसमें आपको मजा आए मैं आपको एक बात और बताता हूं मैं कहता हूं आपको मैं तीन लाख रुपए चार लाख रुपए हर महीने दूंगा आप कुछ काम मत करो सारे दिन बैठो सारे दिन मोबाइल चलाओ कितने दिन चला लोगे अल्टीमेटली उससे बोर हो जाओगे के फेंक दोगे एक नया फोन खरीदते हो आईफोन खरीदते हो डेढ़ लाख दो लाख का फोन खरीद लो आप ठीक है उसके कितने दिन चलाओगे चार दिन पांच दिन छह दिन फैंटेसी के साथ अच्छे से मजे से उसके बाद तो एकजस्ट फोन है बस फोन उठाना रखना उठाना रखना क्यों फूक दिया दे तुमने डेढ़ लाख दो लाख उस पर समझ रहे हो ना तो मनी क्या करेगी बस ये एसेट्स आपको दिलवाएगी और जब एसेट्स मिल जाएंगे आपको सब कुछ उसके बाद फिर कोई इच्छा ही नहीं है फिर क्या इच्छा है तुम्हारी मुझे बताओ तो फिर इच्छा रहेगी आपको एक क्वालिटी वर्क की कि जिस काम को करने में मजा आए मैं वो काम कर सकूं अगर काम करने में मजा नहीं आ रहा ना तो वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा है ध्यान रखना सबसे बड़ी पनिशमेंट क्या है कि आपको जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है आपका मन नहीं कर रहा वो काम करने को और यही काम आपको अल्टीमेटली आप लैंड अप करोगे अगर आप एक अच्छी जगह जॉब नहीं कर रहे हो तो घटिया एनवायरमेंट बिल्कुल महा बकवास एनवायरमेंट होता है मैं बता रहा हूँ है ना जाओ सर्विस कंपनी में पता लगेगा तुम्हारे को अरे जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी ना इतना उछलेगा वो इतना उछलेगा कहने की हद नहीं है और किसी से शेयर नहीं करेगा नॉलेज शेयर तो वहां पे कोई वर्ड है ही नहीं डिक्शनरी में नहीं है नॉलेज शेयर करना किसी को कुछ आता होगा ना बिल्कुल नहीं सिखाएगा तुम्हारे को सब कुछ थोड़ा बहुत कर कर आके जो भी कुछ करोगे तुम खुद करोगे कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा और अल्टीमेटली अगर किसी से पूछ लोगे ना तो वो तुम्हारा और मजाक उड़ाएगा आए हाय इसको तो ये भी नहीं आता कितना बकवास आदमी है लेकिन जाओ प्रोडक्ट बेस्ट कंपनी वर्क करते हैं कुछ नहीं आता पूछते हो, सब चीजें आपको एक्सप्लेन करी जाएंगी प्रॉपर ढंग से मतलब बहुत जाते है, बहुत हेल्प ज्यादा कोई हेल्प नहीं होती पे और बहुत परेशानी वाला एनवायरनमेंट है हर टाइम टांग खींचेंगे हर टाइम पॉलिटिक्स चलेगी क्यों क्योंकि काम है नहीं लोगों ने बस एक दूसरे को टांग करनी तांग है टांग खींचनी है परेशान करना और कुछ नहीं करना तो इस एनवायरनमेंट में जीने तो जियो नोट पैसे कमाओगे लेकिन कब कमाओगे जाकर के दस साल के बाद दस साल के बाद डेढ़ लाख दो लाख तुम्हारी तनखा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है बिलीव मी ये सब चीज़ें मैं पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ उसका कोई फायदा नहीं होने वाला टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट चीज़ तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सीरियस हो जाओ अपने जॉब को लेकर के अपने करियर को लेकर के और अपना जितना जोर है उतना जोर लगा लो बस सिंपल है एकदम एक एकदम सिंपल फंडा है मेरा लाइफ का ठीक है तो मैं तब तक आ, काम करता रहूंगा तब तक मैं बंद नहीं होऊंगा काम करना जब तक मैं सब लोगों को एक एनवायरमेंट ना दे दूं एक अवेयरनेस ना फैला दूं चीज़ों को लेकर के तो ये जो चलता रहता है कि फॉल्स प्रोमिसज की ठीक है आपकी जॉब लग जाएगी बीटेक के बाद एंड सोन so अरे महा बकवास जॉब्स लगेंगी तुम्हारी है ना क्या कोर्सेज करोगे और क्या ही करोगे और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा चल रहे हैं ऐसे यूट्यूब चैनल भी बहुत चल रहे हैं कोडिंग वाले और बहुत ज्यादा कोर्सेज भी ऐसे बहुत बिकते हैं है ना जस्ट बिकॉज की शॉर्टकट जल्दी जल्दी आपको जॉब लगवाएंगे बीटेक पास आउट हो गए और ये पता क्या है मैं आपको सच बताऊँ सोसाइटी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है आज की डेट में मतलब अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स के रिश्तेदार सिर खा जाएंगे हाँ भी बीटेक होगी नौकरी लगा कि नहीं लगा लड़का भी लड़का नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा क्या कर रहा है आजकल है ना नहीं कर रहा होगा तो हंसेंगे है ना भाई आ हा बीटेक भी कर ली पैसे भी लगा दिए इतने और उसके बाद नौकरी भी नहीं लगा बकवास होगी इसको तो बीटेक एंड सॉन मतलब कोई वो बात नहीं रह गई है ना तो इसलिए थोड़ा सा अवेयर हो जाओ और जो चीज तुम सोचते हो ना उस पे स्टिफ रहो हमेशा स्टिफ जितना ज्यादा तुम स्टिफ रहोगे ना उतना तुम आगे बढ़ जाओगे लाइफ में मतलब इन द सेंस एक बार सोच लिया कि मेरे को देना है गेट तो फिर आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है ठीक एक है एकदम स्टिफ होकर के बैठ जाओ और अपना काम करते चलो बेशक से प्लेसमेंट सीजन आ गया आपकी प्लेसमेंट नहीं लोगों की हो रही है आपकी नहीं हो रही, रही है आप परेशान हो रहे हो मुझे पता है बहुत सारे मेरे पास ई मेल्स आते रहते हैं दुनिया भर के ई मेल्स आते हैं कि सर अब मैं क्या करूँ सर उसकी तो होगी मेरी तो रह गई एंड सोन अरे फिर जो तुमने एम सोचा था उस पर फोकस करो ना आगे बढ़ जाओगे तुम उससे आज उसकी दिवाली आएगी कल तुम्हारी भी दिवाली आएगी क्यों नहीं आएगी भाई दो साल रुको ना उसके बाद तुम्हारी देखना कितनी बड़ी दिवाली आएगी उसको तो फिर वो वही बात है मतलब आप इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाओगे वो सोच भी नहीं सकेगा सपने में वो घूम रहा होगा वही पाँच सात लाख पे और तुम तो सीधा बीस पच्चीस तीस लाख के पैकेज पे जाओगे एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप आ जाएगा समझ रहे हो तो सिर्फ दो साल लगाने आपको बहुत ह्यूज गैप आ जाएगा आपके बीच में और दूसरों के बीच में और और सच बताऊं फेवर बहुत मिलता है भाई है ना कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है इफ यू आर फ्रॉम आई और इफ़ यू आर फ्रॉम एनी टी आर वन कॉलेज आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बूम मिलेगा बहुत ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट होगी और बहुत ज्यादा आपको अच्छे पैकेजेस और सब कुछ मिलेगा मतलब दुनिया बाहें फैलाई आपके लिए खड़ी है अगर आप एक अच्छे कॉलेज से पास आउट हो अगर अच्छे कॉलेज से पास आउट नहीं हो तो दुनिया आपको जज करने के लिए बैठी कड़वी बात है सच्ची बात है लेकिन वो जज करने के लिए ही बैठी है हाँ अभी नंबर नहीं आएंगे तभी फालतू के कॉलेज से पास आउट हुई और क्या डिग्री तो है नहीं इसके पास कोई आपका विश्वास नहीं करेगा ना लेकिन अगर आपके पास डिग्री है तो सब लोग आपका विश्वास करेंगे एक डिग्री एक एक स्टैंप है आपके पास कि यू आर समथिंग आप कुछ हो इस दुनिया में ठीक है और भी बहुत सारी बातें हैं तो मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को पता नहीं लगा मेरे को चौदह पंद्रह मिनट हो गए आपसे बात करते हुए तो फिर कभी और आराम से बात करेंगे और कुछ मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा ठीक है बेसिक लाइफ के फंडे बेसिक बातें और भी मैं करूंगा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना आई ओपनिंग वीडियो था ये आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ऐसे ही वीडियोज़ अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताते रहो मैं ऐसे ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूंगा ठीक है बट द ओनली थिंग इज प्लीज़ कमेंट्स करो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो जितने अच्छे मेरे पास रिस्पॉन्स मिलेगा वीडियो का उतने और अच्छे अच्छे मैं आपको बातें और जो नॉलेज है मेरे पास जो मैंने सीखा है आज तक वो सब मैं आपको देता जाऊंगा ठीक है जी ओके थैंक यू सो मच बाय बाय